ओके, टुडे वी विल लर्न अबाउट दी नेक्स्ट लेसन इंटरनेट सफरिंग. इन इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट दी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, पॉपुलर सर्विसेस ऑन दी इंटरनेट, यूजिंग इंटरनेट, देन सर्चिंग इंफॉर्मेशन एंड ईमेल्स एंड यूजिंग ईमेल्स. ओके, तो इस लेसन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं? इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है वो सीखने वाले हैं. उसके बाद इंटरनेट की पॉपुलर सर्विसेज कौन सी है वो सीखने वाले हैं. देन इंटरनेट पे हम कैसे इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, इंटरनेट का कौन सा सर्च इंजिन होता है. ओके, उसके बाद ईमेल अकाउंट कैसे करने हैं, ईमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करना है. ओके, और सबसे लास्ट में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट ब्लॉग्स एंड हाउ टू क्रिएट लोगो. ओके, लोगो ईमेल आईडी कैसे करना है, लोगो कैसे क्रिएट करना है और ब्लॉग कैसे क्रिएट करना है, ये सब प्रैक्टिकली है तो ये हम लास्ट में सीखेंगे. ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग द थ्योरी. ओके, देन मूविंग नेक्स्ट, व्हाट इज द इंटरनेट? इंटरनेट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क. इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर. ओके, इंटरनेट, देन व्हाट इज द इंटरनेट? अ नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स. ओके, टू और मोर कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंटरनेट. ओके, राउटर और टेलीफोन वायर के थ्रू कंप्यूटर को हम इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं. सबको पता है, सबने राउटर देखा है. यस, तो राउटर के थ्रू हम कंप्यूटर को इंटरनेट करते हैं, वैसे ही टेलीफोन लाइंस के थ्रू भी हम कंप्यूटर को इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं. द इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड. ओके, तो इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क. ओके, इंटरनेट का यूज क्या होता है? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को अगर इंफॉर्मेशन एक दूसरे को सेंड करनी हो और ट्रांसफर करनी होगी तो वो दोनों पीसी किस में होने चाहिए? नेटवर्क में होने चाहिए. ओके, और नेटवर्क क्रिएट करने के लिए हमारे कंप्यूटर में क्या चाहिए? इंटरनेट. ओके, इंटरनेट अलाउज अस टू शेयर इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड विथ जस्ट अ माउस क्लिक. एक सिंगल माउस क्लिक के हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते. ओके, बट किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू. ओके, जस्ट सिंगल माउस क्लिक पे हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, बट किसके थ्रू? इंटरनेट. अगर आपके इसमें इंटरनेट है तो सिंगल माउस क्लिक करके हम एक पीसी से दूसरे पीसी को इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. ओके, दिस इज योर इंटरनेट. ओके, देन नेक्स्ट इज द यूजेस ऑफ इंटरनेट. तो व्हाट इज द यूज ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट इज यूज फॉर सेंड एंड रिसीव ईमेल मैसेजेस. इंटरनेट हम क्यों यूज करते हैं? अगर एक पर्सन को दूसरे पर्सन पर्सन एक पर्सन को दूसरे पर्सन को अगर ईमेल सेंड करना है तो उसके लिए हम इंटरनेट यूज करते हैं. ओके, मीन्स मेल्स को हम रिसीव कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं. बट ये कब होगा? जब भी अगर आपके पास इंटरनेट है तो ही आप एक दूसरे को ईमेल सेंड और रिसीव कर सकते हैं. ओके, सेकेंड इज अ सेंड और रिसीव फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर. ओके, हम एक या हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को भी फाइल सेंड कर सकते हैं. किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू. पार्टिसिपेट इन डिस्कशन ग्रुप सच एज मेलिंग लिस्ट एंड न्यूज ग्रुप. इंटरनेट की हेल्प से हम ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप में पार्टिसिपेट भी
कर सकती है. ओके देन नेक्स्ट इज सफरिंग दी वेब. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट की हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं. मीन्स वेब ब्राउजर पे हम कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं. ओके देन नेक्स्ट इज द ऑनलाइन चैट. यस हम इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन चैट भी कर सकते हैं. यस सबको पता है इंटरनेट थ्रू हम ऑनलाइन चैटिंग भी कर सकते हैं. ओके सबको फेसबुक पता है. यस व्हाट्सएप पता है. तो व्हाट्सएप पे हम जब भी चैटिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, ऑनलाइन ही होता है ना. हम इंटरनेट भी करते हैं. फेसबुक पे अगर आपको लाइव चैटिंग करनी है तो आप इजीली कर सकते हो. बट वो कब कब होगा, अगर आपके इसमें इंटरनेट होगा तो. एंड नेक्स्ट इज अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. इंटरनेट की हेल्प से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं. दिस इज द यूज ऑफ इंटरनेट. दिस इज द यूज ऑफ इंटरनेट. ओके देन नेक्स्ट इज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट. तो व्हाट इज तो हिस्ट्री, इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है. इन 1969 व्हेन वी वॉक ऑन द यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट सेट एंड एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी फॉर फर्दर रिसर्च. 1969 में जब ह्यूमन ने चांद पे कदम रखा, इंसान ने चांद पे कदम रखा, तभी यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक प्रोजेक्ट सेट किया, एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया, उसका नाम क्या था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी. ओके उसका नाम क्या था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ओके दे डिजाइन अ नेटवर्क ऑफ फोर कंप्यूटर्स टू एक्सचेंज एंड शेयर डेटा. उन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया, उसमें ऐसा प्रोजेक्ट का डिजाइन बनाया उसमें फोर कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड थे. किसके थ्रू, नेटवर्क के थ्रू वो कनेक्टेड थे और वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते थे. इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते. कैसा डिजाइन बनाया यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने, ऐसा एक प्रोजेक्ट बनाया उसमें चार कंप्यूटर नेटवर्क में लगाए और वो नेटवर्क में लगाने के बाद वो एक पीसी दूसरे पीसी से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते थे. दिस डेटा इज कॉल्ड एज अ एरपेनेट. उस डेटा को हम क्या करते हैं, जो भी एक पीसी से दूसरे पीसी से हम जो भी डेटा सेंड करते थे उसे हम क्या बोलते थे, एरपैनेट. ओके तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एरपैनेट. एरपैनेट फुल स्टैंड फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. ओके व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एरपैनेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. ओके कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो भी डेटा सेंड हो रहा था उसे हम क्या बोलते थे, एरपैनेट. ओके लेटर मेनी यूनिवर्सिटी वेयर अलोज टू ज्वाइन दिस नेटवर्क. फिर उन्होंने क्या किया, यूएस डिपार्टमेंट ने किया, जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थी उनको अलाउ किया. क्या अलाउ किया, कि आप वो नेटवर्क से नेटवर्क्स में ज्वाइन हो सकते हो और अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो. ओके दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर. ये दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द कंप्यूटर. अर्लियर इंटरनेट वॉज यूज बाय इंजीनियर्स, साइंटिस्ट एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट फॉर रिसर्च पर्पस. उसके बाद इंटरनेट क्यों यूज करने, कौन यूज करने लगा, इंजीनियर साइंटिस्ट एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट, ये जो भी थे वो इंटरनेट यूज करने लगे. किसके लिए यूज करने लगे, वो रिसर्च करने के लिए वो इंटरनेट यूज करने लगे. ओके इन 1971 इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल वॉज इन्वेंटेड एज अ वे टू सेंड अ मैसेज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. ईमेल कब इन्वेंट हुआ, 1979 में. ओके इंटरनेट कब ये हुआ, इन्वेंट हुआ
1971 में इंटरनेट सॉरी 1971 में ईमेल इन्वेंट हुआ. ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल. ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल. और ये क्या करता था? In 1971, electronic mail was invented as a way to send a message from one computer to another. 1979 में email invent हुआ. और वो क्यों invent हुआ? Message को एक computer से दूसरे computer तक send करने के लिए email invent हुआ. Okay? एक computer से दूसरे computer तक message send करने के लिए क्या invent हुआ 1917 में? Email. Okay, people started using it for sending message and files between a computer. वो invent होने के बाद जो भी user थे वो उन्होंने email उन्होंने message send करने के लिए message और file send करने एक message और file एक दूसरे से एक computer से दूसरे computer तक send करने के लिए क्या use किया? Email. Okay. The most interesting thing about internet is that no single agency control and maintains it. Okay. Internet के एक most interesting thing को पता है आपको? Now I am telling that the most interesting thing about internet is that no single agency control and maintains it. Okay, तो interesting thing क्या है internet की? कि कोई भी single agency internet को control नहीं कर सकता और maintain भी नहीं कर सकता. In India, internet services started on 15th August 1995. Okay, in India internet services started on 15th August 1995 through a government owned company BSNL. India mein internet services kab start hui? 15 August 1995 में इंडिया में इंटरनेट सर्विसेज स्टार्ट हुई. ओके, और वो किसने स्टार्ट की? गवर्नमेंट ओन कंपनी BSNL. वो किसने स्टार्ट की? गवर्नमेंट ओन कंपनी BSNL ने वो स्टार्ट की. तो इंटरनेट सर्विसेज इंडिया में कब स्टार्ट हुआ? 15 अगस्त 1995 में स्टार्ट हुआ. और उसे किसने इंटरनेट सर्विस को किसने स्टार्ट कौन से कंपनी ने स्टार्ट किया? गवर्नमेंट ओन कंपनी BSNL. ओके, BSNL ने इंटरनेट सर्विस को स्टार्ट किया कितने ईयर कौन से ईयर में कौन से डेट पे? 15 अगस्त 1995. सम ऑफ द पॉपुलर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया आर BSNL, Tata, then Airtel, Reliance, Jio. Okay. तो popular internet service provider कौन से भारत इंडिया में internet service provider कौन से है? Then BSNL, then Airtel, Tata, then उसके बाद अपना जियो. ओके, देन रिलायंस. तो ये जो कंपनी के नेम बताए मैंने अभी BSNL, एयरटेल, टाटा, देन रिलायंस, तो ये क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है. इंडिया में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन से कंपनी है? BSNL, एयरटेल, रिलायंस, टाटा. ओके, दिस इज द ये सब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है. ओके, देन मूविंग नेक्स्ट, वोडाफोन. यस, वोडाफोन इज आल्सो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ओके, आप मोबाइल में नेट पैक, किसी का जियो का कार्ड होता है, किसी का एयरटेल का, किसी का रिलायंस का. ओके, दिस इज योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ओके, मूविंग नेक्स्ट, पॉपुलर सर्विसेस ऑन द इंटरनेट. तो इंटरनेट की पॉपुलर सर्विसेज कौन सी है?
फर्स्ट इज अ ईमेल, सेकेंड इज अ ब्लॉग, थर्ड इज अ चैटिंग, फोर्थ इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट, फिफ्थ इज अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सिक्स इज अ न्यूज ग्रुप एंड सेवन इज अ ई कॉमर्स. दीज आर द पॉपुलर सर्विसेज ऑन द इंटरनेट. तो इंटरनेट की पॉपुलर सर्विसेज कौन सी है? ईमेल, देन ब्लॉग, चैटिंग, सोशल नेटवर्किंग साइट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न्यूज ग्रुप एंड ई कॉमर्स. दीज आर द पॉपुलर सर्विसेज ऑन द इंटरनेट. ओके, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा. देन लेट अस लर्न अबाउट वन बाय वन इंटरनेट सर्विसेज. ओके, फर्स्ट इज अ ईमेल. ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल. ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल. ओके, इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज बिटवीन पीपल यूजिंग अ इंटरनेट. ईमेल हम क्यों यूज करते हैं? अगर कोई भी मैसेज हमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक भेजना है तो हम क्या यूज करते हैं? ईमेल. हम यूज करते हैं ईमेल. इट इज फास्टर देन पेपर मेल. यस, पेपर मेल से ईमेल हमारा फास्ट है. फॉर एग्जाम्पल, ओके, सबको लेटर राइटिंग पता है. ओके, अगर आपको आपको सबको पोस्ट कार्ड बताएं, यस, आपने अगर पोस्ट कार्ड में लेटर लिखा, फिर आप वो क्या करोगे? आप अपने वो जो पेटी होती है, डाक पेटी होती है, उसमें डालोगे. वो कब तक पहुंचेगा आपको पता चलता है क्या? नहीं पता था. वो स्लो है. वो सर्विस कैसी है? स्लो है. मीन्स पोस्ट सर्विस हमारी स्लो है. बट अगर वही हमने व्हाट्सएप पे या इंटरनेट में ईमेल के थ्रू सेंड किया तो कुछ सेकेंड्स में चला जाता है. ओके, दिस इज द यूज ऑफ ईमेल. ओके, तो वो पेपर मेल से फास्टर सर्विस है ईमेल. ईमेल क्या है? पेपर सर्विस से फास्टर सर्विस है. ओके, वन नीड टू हैव एन ईमेल अकाउंट टू सेंड और रिसीव ईमेल्स. ओके, बट वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ यू कैन सेंड द ईमेल और रिसीव द मेल, यू कैन ओपन द ईमेल अकाउंट. ओके, अगर आपको कोई भी मेल सेंड करना है और रिसीव करना है तो उसके लिए आपको पहले आपके पास क्या होना चाहिए? आपका ईमेल अकाउंट होना चाहिए. ओके, अगर आपका ईमेल अकाउंट ही नहीं है तो आप मेल सेंड कर सकते हो क्या? नहीं. सेंड कर सकते हो क्या? नहीं. तो अगर ये सब आपको ईमेल सेंड और रिसीव करना है तो उसके लिए आपको पहले आपके पास ईमेल अकाउंट होना चाहिए. ओके, द मैसेज शुड बी टेक्चर और मे कंटेन पिक्चर. आप ईमेल्स में टेक्स्ट भी भेज सकते हो, फोटोज भी भेज सकते हो. ओके, पिक्चर्स भी सेंड कर सकते हो. ओके, देयर आर फ्री मेल प्रोवाइडर्स आर जीमेल, हॉटमेल, याहू, रेडिट मेल. ओके, तो फ्री मेल प्रोवाइडर कौन से हैं? इंटरनेट के फ्री मेल, सॉरी, ईमेल के फ्री मेल प्रोवाइडर कौन से हैं? जीमेल. जीमेल सबको पता है. यस, जीमेल, देन हॉटमेल, उसके बाद याहू. ओके, देन रेडिट मेल. ओके, तो ये क्या है? आपके फ्री सर्विस प्रोवाइडर है. ओके, मींस हमें ये यूज करने के लिए, मींस जीमेल, याहू और हॉटमेल ही यूज करने के लिए हमें पे नहीं करना पड़ता. ओके, इट इज अ फ्री, ये फ्री मेल प्रोवाइडर है. ओके, देन नेक्स्ट इज अ ब्लॉग्स. नेक्स्ट इज अ ब्लॉग्स. ओके, सपोज यू एक्सपर्ट इन वेब पेज डिजाइनिंग, देन यू कैन क्रिएट योर ओन ब्लॉग टू स्प्रेड योर नॉलेज टू अदर पीपल. ओके, तो अगर आप वेब पेज डिजाइनिंग में एक्सपर्ट हो तो आप खुद का एक ब्लॉग बना सकते हो. बट वो आप क्यों बनाओगे? आपका जो भी नॉलेज है वो लोगों तक भेजने के लिए आपको क्या क्रिएट करना पड़ता है? ब्लॉग. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अभी आपका नेक्स्ट लेसन है आउटलुक. आउटलुक पे अगर एक एक टॉपिक है आउटलुक, उस पे अगर आपको बहुत सारा नॉलेज है
और वो नॉलेज अगर आपको आपको सिटी में पहुंचाना है या कंट्री में पहुंचाना है, ओके, आपको वो नॉलेज सिटी में और कंट्री के पीपल्स तक पहुंचाना है, तो आप क्या क्रिएट कर आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा? आपको क्रिएट करना पड़ेगा ब्लॉक, ओके। आपको क्या क्रिएट करना पड़ता है? ब्लॉक मीन्स अपना जो नॉलेज है वो दूसरों तक भेजने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? ब्लॉक, ब्लॉक, ओके। देन नेक्स्ट इज अ चैटिंग, ओके। चैटिंग इज अ एक्सचेंज ऑफ टाइप इन मैसेज इन रियल टाइम विथ वन और मोर यूजर साइमल्टेनियसली ओवर इंटरनेट, ओके। फॉर एग्जाम्पल, आपको सबको व्हाट्सएप पता है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज टाइपिंग करते हो, एक ही मैसेज आप एट ए टाइम 20 पीपल को भेज सकते हो, किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप पे आप चैटिंग करते हो, आप कोई भी मैसेज, एक ग्रुप है, ओके, एक वन ग्रुप क्रिएट किया आपने व्हाट्सएप मैसेंजर में, एक ग्रुप क्रिएट किया है आपने, एक भी मैसेज टाइप किया, एक भी मैसेज सेंड किया, तो वो जो ग्रुप में जितने भी पीपल ऐड होंगे, 20, 50, 100 जितने भी पीपल होंगे, उनको एट ए टाइम जाएगा, उनको वो मैसेज एट ए टाइम जाएगा, ओके। दिस इज योर चैटिंग। अ यूजर में ज्वाइन ग्रुप चैट और सेंड अ प्राइवेट मैसेज टू अनदर, ओके। आप उसमें प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हो, ओके। एक दूसरे को आप प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हो, तो चैटिंग का, सॉरी, तो चैटिंग का एग्जाम्पल क्या है हमारा? व्हाट्सएप, चैट ऑन, जी टॉक, ओके। दिस इज योर एग्जाम्पल्स ऑफ चैटिंग, ओके। व्हाट्सएप सबको पता है, सब यूज करते हो, ओके। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ चैटिंग। देन नेक्स्ट इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर यूज्ड टू बिल्ड ऑनलाइन कम्युनिकेशन, टू शेयर आइडियाज, एक्टिविटी, इवेंट्स एंड एक्सचेंज फाइल्स एंड अ पिक्चर्स, ओके। सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज क्या है? हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी आइडियाज है तो आप वो ऑनलाइन उस पे डाल सकते हो, और उस पे आप कम्युनिकेशन, दूसरे पीपल से कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको सबको हमारे स्कूल का पेज पता है, ओके। स्कूल ने जो भी आइडिया उस पे डाली, तो आप उस आइडिया पे कम्युनिकेशन भी कर सकते हो, ऑनलाइन उस पे कम्युनिकेशन भी कर सकते हो, ओके। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स कौन से हैं? फेसबुक, ऑरकुट, ट्विटर, दीज आर सम ऑफ वेरी पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट। सबको फेसबुक पता है। अगर आपको कोई आइडिया, कोई एक्टिविटी शेयर करनी, तो आप क्या करते हो? सीधा आपको फेसबुक पे सेंड कर देती हूँ, ओके। तो फिर फेसबुक पे एक बार अगर कोई कमेंट और कोई पोस्ट हमने शेयर की, तो उससे आपके जितने भी फ्रेंड्स हो के वो सब वहाँ पे देख सकते हैं। उस पे आप, वो फ्रेंड्स आपको कमेंट्स वगैरह देता है, मींस ऑनलाइन आपसे वो कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। दिस इज योर सोशल नेटवर्किंग साइट। देन नेक्स्ट इज अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज अ लाइव टेली कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल्स एट डिफरेंट लोकेशन। इट इज एन अल्टरनेटिव टू फेस मीटिंग। इट इज यूजुअली इन्वॉल्व ऑडियो, वीडियो एंड डेटा, ओके। वीडियो कॉन्फ्रेंस का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? अभी नाउ सी दिस, आप जूम पे लेक्चर अटेंड कर रहे हो, ओके। मैं अभी स्कूल में हूँ और आप अलग अलग प्लेस पे हो, फिर भी आप मेरा लेक्चर अटेंड कर पा रहे हो। दिस इज कॉल्ड योर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आप मुझसे बात भी कर सकते हो, ऐसे नहीं कि हम सब एक ही प्लेस पे, नो, आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे है, बट आप सब डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे होके भी आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यस, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप वीडियो कॉल इज अनदर। व्हाट्सएप वीडियो कॉल में भी आप, व्हाट्सएप में भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, ओके।
डिवाइसेस रिक्वायर्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेबकैम माइक्रोफोन स्पीकर विजुअल डिस्प्ले यूजर इंटरफेस एंड कंट्रोल सिस्टम. ओके, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हमें कौन से डिवाइस लगते हैं? अगर आप कंप्यूटर पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो तो फर्स्ट आपको क्या लगेगा, आपके पीसी आपके कंप्यूटर में कैमरा होना चाहिए, उसके बाद माइक्रोफोन होनी चाहिए, स्पीकर होनी चाहिए. अगर स्पीकर ही नहीं तो आपको आप जो भी बात करोगे मुझे सुनाई देगा क्या? नहीं सुनाई देगा. ओके, देन विजुअल डिस्प्ले. विजुअल डिस्प्ले मीन्स आपका मॉनिटर होना चाहिए. यस, यूजर इंटरफेस. यस, यूजर इंटरफेस होना चाहिए एंड कंट्रोल सिस्टम भी होनी चाहिए. मीन्स हमारी पूरी कंप्यूटर सिस्टम होनी चाहिए. मीन्स स्पीकर, देन कैमरा, इनपुट डिवाइसेज जो भी है वो सब इनपुट आउटपुट डिवाइसेज जो भी है वो सब होने चाहिए. अगर मोबाइल है, मोबाइल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तो आपके मोबाइल में फ्रंट कैमरा होना चाहिए. यस, आपके मोबाइल में फ्रंट कैमरा होना चाहिए, स्पीकर होने चाहिए. यस, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ये सब डिवाइसेस हमें लगते हैं. देन नेक्स्ट इज अ न्यूज ग्रुप. न्यूज ग्रुप इज अ ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप. ओके, न्यूज ग्रुप क्या है? एक ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप है. इस ग्रुप में आप एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर न्यूज डिस्कशन ग्रुप में एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है तो उस टॉपिक थ्रू आप पीपल से इंटरेक्ट कर सकते हो. ओके, पीपल से इंटरेक्ट कर सकते हो, उनको मैसेज, आप उनको सजेशन दे सकते हो, कोई मैसेज सेंड कर सकते हो. तुरंत आपको, अगर आपने कोई मैसेज किया तो तुरंत आपको उस ऑनलाइन ग्रुप से वहां से आपको रिस्पॉन्ड आएगा. ओके, तो न्यूज ग्रुप क्या है? न्यूज ग्रुप इज अ ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप दैट अलाउज पीपल टू इंटरेक्ट ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक. एक पर्टिकुलर टॉपिक पे पीपल न्यूज ग्रुप पे इंटरेक्ट कर सकते हैं और कम्युनिकेशन कर सकते हैं. ओके, न्यूज ग्रुप मैसेज कैन बी पोस्टेड बाय एनीवन. कोई एक से ही न्यूज ग्रुप मैसेज को पोस्ट कर सकता है. इट इज डिस्कशन ग्रुप, आप डिस्कशन कर सकते हो. अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक लिया तो सिर्फ आप ही उस पर डिस्कस कर सकते हो, बाकी सब सुनने का काम करे, आपका होने के बाद फिर नेक्स्ट करेगा ऐसे. ओके, दिस इज योर न्यूज ग्रुप. देन नेक्स्ट इज अ ई कॉमर्स. व्हाट इज अ ई कॉमर्स? ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. इज वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. ओके, सबको पता है ई कॉमर्स. ओके, वी नो दैट Amazon, Flipkart, सबको पता है Amazon, Flipkart. अगर आपसे आपको कोई भी Amazon से कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो आप किसके थ्रू करते हैं? ई कॉमर्स के थ्रू. ओके, ई कॉमर्स के थ्रू आप नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं. ओके, ई कॉमर्स की हेल्प आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी आइटम को परचेस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है. तो कौन से वेबसाइट है ई कॉमर्स? अपना Amazon, Flipkart. ओके, दिस इज द वेबसाइट ऑफ ई कॉमर्स. ओके, इसके थ्रू आप नेट बैंकिंग कर सकते हो, कोई भी आइटम और प्रोडक्ट खरीद सकते हो, बेच सकते हो. जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हो ना, ऑनलाइन आप पेमेंट करते हो गूगल पे, देन आप टिकट बुक कर सकते हो. ये सब किस में आता है? आपका ई कॉमर्स में. ओके, आई होप एवरीवन इज क्लियर, सबको समझ में आया.